गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर जिला सुकमा पुलिस के द्वारा पूना नारकोम अभियान के तहत स्वास्थ्य पंडुम का किया गया शुभारंभ। सुकमा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के नेतृत्व में पूना नारकोम अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सामाजिक सरोकार के लिए नई सुबह नई शुरुआत की गई है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सुकमा पुलिस लाइन में स्वास्थ्य पंडुम का शुरुआत की गई। स्वास्थ्य पंडुम जिले के 15 जगहों पर चलाया जाएगा, अंदरूनी क्षेत्रों में संचालित होगा। शारीरिक परेशानियों को दूर करने एवं स्वास्थ्य सुकमा के उद्देश्य से नई मुहिम पूना नारकोम के तहत स्वास्थ्य पंडुम शुरू किया गया है, जिसमें मलकामगिरी से आए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर गंगाधर गोड़ा मौजूद रहे। बताएं सर, पूना नारकोम के तहत स्वास्थ्य पंडुम शुरू हुआ है जी? आज गणेश चतुर्थी के अवसर पे काफी समय से हम लोग, एक समस्या हमारे सामने आ रही थी कि हमारे जो जवान हैं वो क्योंकि नक्सल अभियान पे बहुत लंबी लंबी दूरी तय करते हैं और अंदर अंदर जंगल में और इसमें नदी नाला पार करके वो लोग काफी दूर दूर जाते हैं, उस दौरान उनको कई प्रकार की शारीरिक चोट लगने का संभावनाएं रहती है और लगती भी हैं। उस दृष्टिकोण से हमारे जवानों की जो फिजिकल जो चोटें हैं और जो शारीरिक रूप से उनको जो फिजियोथेरेपी की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये अभी आज स्वास्थ्य पंडुम की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने डॉक्टर्स जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनसे संपर्क किया और उन लोगों से रिक्वेस्ट किया तो वो लोग हमारे इसमें मदद करने के लिए तैयार हुए हैं। इस प्रकार हम 15 जगह पे जो हमारे इंटीरियर कैंप्स हैं उस सब जगह पे स्वास्थ्य पंडुम के तहत कैंप लगाएंगे, जिसमें हम हमारे जवानों का तो इलाज कराएंगे ही, नो डाउट फिजियोथेरेपी कराएंगे, साथ ही साथ उसके आसपास के जो गांव हैं, क्योंकि यहाँ पे देखने में बहुतायत से आता है कि बुजुर्ग जो लोग हैं उन लोगों को घुटने की बीमारियां, कंधे जोड़ में बहुत ज्यादा असहनीय दर्द और इस तरह की बीमारियां बहुतायत में पाई जाती है ग्रामीण स्तर पे, तो उसको देखते हुए न केवल हमारे सुकमा से संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट।